Please subscribe to our channel, and for latest updates, don't forget to press the bell button. बहुत मजा आया, बहुत यूनिक शो है और पेरेंट्स के ऊपर कोई शो बना नहीं है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और इट हैज सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर्स एंड करिश्मा कपूर है इनमें, तो ऑफ कोर्स हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं. सेम है, सेम है. ग्रेट कास्ट, ग्रेट आइडिया. लाइक ही सेड कि वो मदर्स के जो इंसाइट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो आई थिंक ट्रेलर देख के मुझे लगा कि काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी अबाउट हाउ दे फील, हाउ देयर लाइव्स आर. बिकॉज बहुत ऐसा नहीं तो एक ही उसमें पेंट कर दिया जाता है, ममता में ही पेंट कर दिया जाता है, बट बहुत सारे इमोशंस होते हैं आई एम श्योर. तो आई थिंक वो सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे शो में. थैंक यू. दिल को छू गई, मतलब हम सबकी माएँ हैं. और व्हेन यू वॉच द ट्रेलर आई रियलाइज माय गॉड हाउ मच आवर मदर हैज गॉन थ्रू. एंड सच में आज के जनरेशन में स्पेसिफिकली पेरेंट बनना इतना आसान नहीं है. एंड आई वाज जस्ट टेलिंग समबडी दैट आई माई सेल्फ आई एम अ मैरिड गर्ल एंड संदीप एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट वेदर टू हैव किड्स, इफ यू वॉन्ट टू हैव किड्स देन वेन वुड बी लाइक टू हैव किड्स. So the moment I saw the trailer, I was like, oh my god, this is it, this is how it's gonna be like, you know, this is how motherhood is like. I think there's a very good ensemble cast, very good cast, and really looking forward for this show. Well, I am myself a product of digital platform. I've been doing a couple of web series and I think it's a very good platform. This is a very good time for all the actors to, you know, be a part of this field right now. बिल्कुल मैं सब सारी औरतों को बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए बनी हैं. और दिल से मैं कहना चाहूँगी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. सॉरी, थैंक यू. चलो तुम्हारी बारी, मैं जा रही हूँ. टाइम लगा रहे थे तुम, भी आ गई. कितना बहुत नीचे है, ऐसे बात करना पड़ेगा. चलो अच्छा ट्रेलर था. इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग. और देखने को मिलता है कि अलग अलग कपल्स के बीच में क्या क्या सिचुएशन है जब आप बच्चों को बड़ा करते हैं. इट्स नॉट ईजी, पेरेंटिंग इज नॉट एट ऑल ईजी. सो और हम उस दौर से गुजर रहे कसौटी में तो वही एक काइंड ऑफ एक रिलेशन हम रिलेट कर सकते हैं. मेंटल गिरी सब लोग, हम लोग बहुत पागल, ये मेंटल होती है वो जो भाग रही है वो मम्मी वहाँ पे. क्योंकि वो मेरी माँ है इसलिए. तो यार मैम ने नहीं, बाकियों ने उन्हें मेंटल करके रखा है.
बी कम बैक। वेट अंटिल प्रेरणा स्ट्राइक्स बैक। दैट्स ऑल। नो ही सेइंग आगे का ट्रैक क्या होगा? तो नहीं, एक्चुअली इट लुक्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ सीजन 2 फॉर अस। दैट एक रिफ्रेशमेंट है, नए लोग हैं और नई स्टोरी है। सीजन 3 सीजन 2 हमारा सीजन 2 था। हां एक्चुअली सीजन 3 बट या ऑन द कंट्ररी स्टोरी बेटर लग रही है। सो वी कैन अश्योर यू दैट अभी फिलहाल यू कैन गेट मोर केमिस्ट्री बिटवीन द टू बिकॉज नाउ हम लोग दोनों साथ में हैं नहीं। तो हम लोग रिस्पेक्टिव लाइफ में हमारे क्या क्या बच्चे हैं, बीवी हैं, हस्बैंड्स हैं, हस्बैंड्स तो इंटरेस्टिंग है, नए लोग हैं, नई कहानी है। तो प्लीज़ देखिए बिकॉज नाउ सब लोग अभी यही कह रहे हैं कि अभी अच्छी कहानी लगती है। यस, हम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि हम डे एंड नाइट शूट कर रहे हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आई नो। जी बिल्कुल, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो समवन बट आई वोंट मेंशन, बट यस आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दैट दे ब्रिंग द कप टू इंडिया। एंड इट्स नॉट ईजी ऑफ कोर्स बीइंग अ वुमेन एंड ऑल्सो ऑन वुमेन्स डे फाइनल खेला जा रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी मैच होने वाली, बहुत टफ है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन ईजी टीम बट इंशाल्लाह वी शुड विन। इसका अलग पार्टनर है, मेरा अलग पार्टनर है, हम ऑन स्क्रीन कपल है, जो अभी कपल नहीं है। हाँ कौन है वो नहीं बताना है। शुभी को बोलने दो, बोल हाँ, अकेला नहीं छोड़ सकती मैं पॉल को। हाँ आ जाओ, अब मेंटल हेल्थ के बारे में आप दोनों का क्या घर की हमारी, हमारे घर की मेंटल हेल्थ बालाजी की है, तो हम लोग सोचते हैं खुद ही प्रमोट कर बहुत, क्योंकि हम में से सिर्फ यही मेंटल हेल्थ है और कोई मेंटल हेल्थ नहीं। सभी एक्चुअली मेंटल है। हां, आई एम द ओनली वन हु एक्चुअली हैज अ चाइल्ड। बता क्या करना। हाँ जी, बहुत ही कमाल का लगा ट्रेलर, बहुत ही खूबसूरत है। और ट्रेलर के बारे में कुछ ऐसी बात है जो आपको अट्रैक्ट करती है कि यार क्या है इसके अंदर, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है एक बैकग्राउंड स्कोर मेंटल हेल्थ का, जो आपको ऐसा लगता है कि यार पता तो करे क्या है। और उसके बाद करिश्मा जी इतने टाइम के बाद आपको दिखेंगी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत मेंटल हूँ,
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मेंटल सम सबको ही होना ज़रूरी है, स्पेशली क्रिएटिव पीपल। जैसे मैं थोड़ा मतलब एक्टर हूँ, राइटर हूँ, मतलब डायरेक्ट भी कर लेता हूँ, कंपोज भी करता हूँ, लिखता भी हूँ, तो मैं बहुत पागल हूँ। अगर मैं पागल नहीं होऊंगा ना, तो मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी छोड़ के ये ऐसा काम नहीं चूज़ करूँगा जो दिन रात करते हैं। हम लोग रात रात भर शूट करते हैं, रात रात भर बैठ के गाने लिखते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। तो हम सभी इनफैक्ट जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं, जितने भी एक्टर्स होते हैं स्पेशली, वो थोड़े थोड़े मेंटल ज़रूर होते हैं। बहुत ही खूबसूरत था, बेपनाह प्यार में बेपनाह प्यार था। इतना प्यार था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि वो शो रैप अप हो, लेकिन एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड, मुझे ना चाहते हुए बाय बाय करना पड़ा। और मुझे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जितना मैं डिज़र्व भी नहीं करता, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी आने वाली हैं, बहुत सारी पागलपंती होने वाली है। फिलहाल तो मेंटल उड़ा रही है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस पे फोकस करें और इसको दुनिया की सबसे बड़ी हिट बनाएं। एंड उसके बाद थोड़े दिन के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी वाली गुड न्यूज़ दूंगा, मेरा गाना भी बहुत जल्दी आने वाला है। सब अभी बता दूँ, बताऊँगा। ये बता दिया कि बहुत जल्दी गाना आने वाला है, और वो एक हिंदी सॉन्ग है। इससे पहले पंजाबी ट्रैक था, अब एक हिंदी गाना। बहुत जल्दी हाँ जी, बहुत जल्दी, ये नहीं बताऊंगा। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा ट्रेलर लगा। मतलब ये अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं था हमारी इंडस्ट्री में। इट्स अबाउट मदर्स। हाँ एक सेकंड, शुभ, बहुत सीरियस दे रहा हूँ मैं, बहुत सीरियस, शुभ भी बहुत सीरियस चल रहा है आजों का। तो ऐसा मदरहुड के ऊपर शो आना बहुत ही रेयर है, अभी तक देखा नहीं था। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज वी हैव नेवर गॉन थ्रू दिस, शुभ भी हैज। सो हाँ, हम हमारे लिए प्रिपरेशन हो जाएगा ये चीज़ के लिए, एंड दैट्स इट व्हाट वी आर थिंकिंग। बाकी मेंटल लोड आपको थोड़ा सा बताएंगे कुछ बता। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। मैंने जब ट्रेलर देखा था, बिकॉज मेरा बेटा 8 साल का है, तो इतने सालों में आई हैव सीन वर्किंग मदर्स, आई हैव सीन मदर्स एट होम, आई हैव सीन मदर्स जो एक्चुअली कुछ एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहते, दे वॉन्ट टू गो नेचुरल। सो एवरीथिंग कहीं ना कहीं सबके, मेरे फ्रेंड्स के झलक दिख रहे थे, एंड आई वॉज जेन्युइनली थिंक क्या होता है कि अपनी झलक टचवुड, आई एम, हाँ मेरी भी झलक दिखी बहुत, टचवुड। आई हैव अ हस्बैंड के हु एक्चुअली इज़ लाइक अ मदर, बट बहुत से हस्बैंड हैं ऐसे हु आर नॉट गिविंग टाइम टू देयर चिल्ड्रन। उनको लगता है कि बस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू नो वो कर रहे हैं, बट आई जेन्युइनली फील कि अगर फादर्स ऑल्सो टेक पार्ट इन द होल पेरेंटहुड, उनको पता चलेगा कि क्यों मेंटलहुड है। आई थिंक डीनो इज प्लेइंग द सिंगल फादर, राइट, एंड इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। क्योंकि अगेन मेरे कॉलेज फ्रेंड्स में जो है क्लोज फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम आर गुड फादर, दे ऑल टेक द चिल्ड्रन अलोन, मतलब मिलाते हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं जो नहीं करते लोग, एंड दैट इज लाइक यू नो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो चीज़ें हैं, जो बच्चा आज हंसते हंसते करेगा, फिर कल नहीं करेगा, फिर परसों वापस करेगा, तो इट इज़ मेंटल गुड। बहुत स्ट्रेस हो रहा है। Go for it. I'm very proud, and India इतना अच्छा कर रहा है, like हम हमेशा men's cricket team को देखते हैं, अब हमारी women's team भी आगे world cup में है, and it's so proud moment for us, and we are so happy, and I wish them all the very best, and I just wish वो world cup लेकर आए India. I swear, because yes. step by step है, हम हर sports में कहीं ना कहीं you know we're taking one step each. अगर win, if we win, then it is like सोने पे सुहागा, fully. Thank you. माइक निकल रहा हूँ। Yeah.
आई थिंक बहुत ही एप्ट है यू नो एकता एज अ न्यू मॉम सो आई एम श्योर कि बहुत सारी चैलेंजेस होती होंगी टू फेस मदरहुड एंड आई एम श्योर इट वुड बी ड्राइविंग ऑल द मदर्स मेंटल सो आई एम वेरी एक्साइटेड द प्रोमो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड इट्स वन ऑफ द शोज जिससे हर कोई रिलेट करेगा एंड आई एम श्योर मैं भी रिलेट करूँगी बिकॉज सून इवन आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस मदरहुड सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो एंड द प्रोमोज लुक ग्रेट नागिन तो सारीज उस लुक में तो सारीज पहन रही हूँ आई हैव गॉन विथ अ वाइट जंप सूट विच इज़ लाइक वेरी कैजुअल एंड कम्फर्टेबल इट्स अ स्क्रीनिंग ऑफ अ शो आई एम एक्साइटेड टू वॉच मुझे कम्फर्टेबली इन्जॉय करके देखना है सो दैट्स वाई दिस लुक आई थिंक आई एम वेरी प्राउड दैट यू नो इंडियन क्रिकेट इज बींग अप्रिशिएटेड सो मच एंड मैं सभी को गुड लक विश करना चाहूंगी आई एम श्योर दे गोना किल इट बिकॉज वुमेन पावर वुमेन्स डे वी आर गोना किल इट Mentalhood, you know, I have always been a Karishma Kapoor fan, be it Raja Hindustani ya Andaz Apna Apna. So, बहुत साल बाद वो वापस आई हैं स्क्रीन पे और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है. In fact, all the other ladies, you know, Women's Day के मौके पे एक ऐसा शो आ रहा है जो औरतों पे निर्धारित है जहाँ पर you know वो आपको बता रहे हैं कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मैनेज चिल्ड्रन फैमिली हस्बैंड एंड रेस्ट ऑफ द स्टाफ सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड मैं क्या शुभकामनाएं मैं तो उनको यही कहूँगी कि वो जीते हैं राइट मेरी शुभकामनाएं तो यही रहेंगी उनके लिए दैट दे विन मे दे विन या थैंक यू गाइस Rachel. एक साथ आ जाओ फटाफट करो यस सर बहुत ही प्यारा लगा एंड मॉम्स आर मेंटल इन नाइस वे एंड ऑल मॉम्स आर वेरी नाइस आई लव माय मॉम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द मूवी अ वेब सीरीज एंड या आप लोग बताना चाहेंगे कुछ I think it's a comeback for Karishma Kapoor and she is looking stunning and if yeah. you have seen her movie, she is always bringing something to the screen and not just on the screen, she is bringing life to the screen and I'm looking forward to it. I really want to see what she is going to do. I'm coming back with Bebaki. She's my heroine in Bebaki. We're launching on 29th this month and yes, it's a very nice web series for Alt and Z5. You're going to see it. बहुत अच्छा रहा अब बहुत तंग करती है मेरे को एंड इट्स ऑल्स नाइस आपने क्या तंग किया सर मैंने सर को मैं बिल्कुल तंग नहीं करती सर को आई थिंक मैं सर को हमेशा बचाती हूँ किससे मुझे कौन पसंद करेगा क्या क्या ओके लास्ट बेलर हु डूइंग वेरी वेल जेनिफर मैम
No, it's not doing well, I guess. Doing well? I don't know. Sorry. It's doing well. I love Behar and I love Jennifer. And Behar too, I couldn't do it because I was busy in something else with this one, Bebaki, and doing a movie with Z5. So yes, all the best to Behar too. And I love Behar. Behar started from us. All the best. Women will always win. They're the best. I love women. See? And we should empower them. Up match the victor. Sorry? You don't watch match? I watch cricket, yeah. I watch. Meri shubhkamnaye hamesha unke saath hai. And as a woman, you know, I feel so proud ki actually women cricket ko seriously liya ja raha hai. And yeah, I'm really looking forward, you know. Thank you, guys. Yeah. Thank you, guys.